नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सागर शहर में कोविड संक्रमण से मौत के तांडव के बीच नरियावली नाका मुक्तिधाम में शवों का अंतिम संस्कार में प्रशासन की लापरवाही दिख रही है, जहां अंत्येष्टि के लिए पर्याप्त लकड़ी का उपयोग नहीं होने से अध जले शवों से निकली बदबू शमशान घाट के आसपास बनी बस्ती के लोगों को परेशान कर रही है। मृतकों के परिजनों में बनी व्यवस्था को लेकर आक्रोश पनप रहा है। इतना ही नहीं, संक्रमण फैलने का डर भी बना हुआ है और संक्रमण के इस दौर में प्रशासन की उदासीनता के कारण मानवता शर्मसार हो रही है, जब मुक्ति धाम में अध जले शवों का आवारा जानवर अपना निशाना बना रहे हैं। इसका आरोप भी मुक्ति धाम के पास बनी बस्ती के लोग लगा रहे हैं और असुविधा होने पर वो शमशान घाट पहुंची और हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस पहुंची और मामले को समझाया। आपको बता दें कि शहर के मुक्ति धामों में भयावह स्थिति बनी हुई है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में समय समय पर तकनीकी खराबी आने से दाह संस्कार नहीं हो पाते और लकड़ी आधारित व्यवस्था के जरिए शवों की अंत्येष्टि जमकर मृतकों के परिजन अव्यवस्था का आरोप लगा रहे हैं कि पर्याप्त लकड़ी का इस्तेमाल दाह संस्कार में नहीं हो रहा। वहीं इसके आसपास भगत सिंह वार्ड से सटी बस्ती में लोगों ने भी शमशान घाट में बढ़ते शवों के अंतिम संस्कार के कारण बाउंड्री वॉल के पास ही दाह संस्कार किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले में विरोध दर्ज करने वो महिलाओं के साथ पहुंचे हैं, साथ ही बस्ती के रहवासी सहित मृतकों के परिजन खुले तौर पर अंत्येष्टि के नाम पर बनाई गई व्यवस्था में लापरवाही का जमकर आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में जब मौके पर निगम के कर्मचारी से जानकारी ली तो वो लग रहे आरोपों को खारिज करने लगे। उन्होंने पर्दा डालते हुए पूरे मामले में कहा कि जगह जगह चिताओं से उठती आग को लपेटे देख शमशान घाट की भयावह स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी यहां पर निगम के द्वारा कोई पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई। कहां जला रहे थे सर आगे को, तो हम लोग नया विरोध उठाया कि तारीख उस तरफ ही जलाओ, इस तरफ ही नहीं आना, हमारे बच्चे जला रहे, डर रहे और हम लोग भी डर रहे, और तुम छोड़ छोड़ कर भाग जा रहे, दस दस बारे मट्टी आ रही है और तुम भाग जा रहे। लेकर आए थे पूरे कुत्ते उन खींच के, मतलब कुल मिला के दाह संस्कार जो कर रहे हैं वो अजली लाश करके लेकर आ रहे हैं। जैसे 20 किलो हुई नकड़ी, 30 किलो बस ऐसे जला जला के आधा छोड़ के जा रहे हैं, आधा नहीं छोड़ के जा रहे हैं, मतलब ऐसे। उसके बाद और फिर वो हवा हवा चालू होगी ना, फिर बदबू आने लग जाती है हम लोगों के घर में, इसलिए हम लोगों ने उठाया है कि आप लोग आओ और थोड़ा देखो आप लोग अजली लाश। हाँ सर, ये तो जला रहे, देखो इसलिए हम लोग अजली लाश छोड़ रहे हैं। तुमने कैमरा भी लिया, हम लोग से पूछ रहा सामने ही, अब भी कुतल लगा है ये लोग, पहले से डरी है 2 घंटे से। अब ऐसे जाएंगे तई देख रही थी सर, तो बच्चे नहीं डराएंगे, ऐसे देख रही थी जाएंगे तई, वो रहता है इसलिए बोले थे हम तैयारी। हम अभी 2-3 घंटे से खड़े हैं, हम इंतजार में है कि वो कब कर रहा तैयारी, कब कर रहा तैयारी, इंतजार में खड़े हैं, दूरी बनाए मास्क लगा। तो आपको अभी डेड बॉडी नहीं मिली? कुछ नहीं मिला, वहीं गाड़ी रखी है, बहुत जन से परेशान है, नहीं तो यहाँ कोई पानी की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं करे गवर्नमेंट। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि लकड़ी नहीं मिल रही है चिता जलाने के लिए, लकड़ी कम दे रहे सर, अभी आई नहीं, और अभी पानी आ रहा है, अभी एक चिता आप लकड़ी आई है 9 लाख से रखी है। हेलो, नरियावली नाका मुक्ति धाम है, यहाँ पर कुछ अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायत आ रही है कि प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं हो पा रही है जो शमशान करने वाली है, क्या कहते हैं यहाँ प्रॉपर तरीके से डिस्पोज हो रही है? कोरोना पॉजिटिव जो लाशें हैं हम लोग करा रहे हैं पर डे, और आज करीब 32 के करीब अभी 18 करा चुके हैं, व्यवस्थाएँ चल रही हैं, 4 और आनी, और यहाँ लगी हुई बस्ती है मुक्ति धाम से लगी हुई, और हम लोग उस साइड में करा रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि यहाँ ना कराएं, धुआँ जा रहा है या कुछ प्रदूषण फैल रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर हम लोग जलवा रहे हैं। सर दिक्कत तो ये आ रही, मतलब 4-5 घंटे से बॉडी रखी है यहाँ पे, अभी तक कोई भी मतलब पता नहीं है, मतलब बॉडी खत्म है ना जी, हमारे मौसा जी है कि हम लोग 10 बजे से यहाँ पे मतलब रुके हैं, अभी बॉडी का कोई पता नहीं है, मतलब कब बॉडी में मतलब डिस्पोज करेंगे ये लोग के पता, और सुनने में आ रहा है कि लकड़ी का कम रखा है ये लोग, तो बॉडी का मतलब कोई पार्ट्स बचता है ना तो कुत्ते लेके जा रहा था, अभी पीछे वाली मार्केट मतलब अंदर जहाँ से महिलाएं आई थी उनने भी हंगामा करा यहाँ पे आके, वो भी बोली कि भैया यहाँ की बॉडी है आप जला रहे कहीं और लेके जाओ, अब लोग जहाँ कहें बताया। तो ये स्थिति क्यों बन रही है, क्या लगता है? अब ये तो सर हम लोग नहीं पता, सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं, जैसे भी हम लोग, अब उन्होंने बोला मास्क की गाइडलाइन, मास्क लगा के देखें।